अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंग्री एंड थर्स्टी और मैं हूं ज़ुबैर लतीफ़ नियाज़ी एक बार फिर आपके साथ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है अपने प्रोग्राम के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि आज मेरा दिल है कि मैं अपनी मेहरान गाड़ी को सेल कर दूं और मेहरान को सेल करके मैं ये प्रिंसिपल के जो है कार ख़रीद लूँ, क्योंकि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर बहुत खूबसूरत कार है, बहुत छोटी कार है और इसका फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छा है। इसके मज़ीद फीचर्स क्या हैं वो तो जब हम अंदर जाएंगे पता चलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस को आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और अच्छा है, अच्छा होता है जब हम किसी चीज़ का फीडबैक आपको देते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको उसका फीडबैक देते हैं, जब अपनी किसी भी लाइफ के एक्सपीरियंस का आपको फीडबैक देते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं मौजूद हूँ प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स पे हैदराबाद में मेन ऑटोबान रोड पर, और यहाँ से आज मेरा मूड है, मेरा रियल में रियलिटी मैं आपके सामने, कोई ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आज मेरा दिल था कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, मैंने प्लान किया था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि बेसिकली प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल मोटर है, प्रिंस ग्लोरी है, इनके फीडबैक हैदराबाद की मार्केट से क्या आ रहे हैं। लेकिन मिला जुला रुझान है, बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत कम प्राइस में ये बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत ही मुनासिब कीमत में एक नई कार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी मेहरान, वो मेरी छोटी सी गरीबों वाली मेहरान है, उसको सेल करके मैं भी एक अच्छी गाड़ी लूँ। तो आइए प्रिंसिपल मोटर्स के अंदर चलते हैं, आप लोग ज़रा गाड़ियाँ देखें, मैं अंदर जाके इसकी जो कीमत है और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, इसकी फ़ीचर हैं, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ की जो मैनेजमेंट है आपकी, उससे भी बात कराऊँगा। तो फिर मैं अंदर चलता हूँ, आप जब तक गाड़ियाँ विज़िट करें और फिर मेरे पीछे पीछे मेरे साथ अंदर आ जाएँ। सो गाइस, फाइनली मेरी तो प्रिंस पर्ल की जो है वो डील फाइनल हो चुकी है, और ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत कार है, जिसे आप इस पंपलेट पर भी देख रहे हैं और बाहर भी मैंने आपको
दिखाई। मेरे साथ ज़िया भाई मौजूद हैं। ज़िया भाई यहाँ के मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं और बड़ी अहमियत रखते हैं। ज़िया भाई से हमारी पुरानी दोस्ती है। मैंने सोचा कि असल में ये जो सब कुछ रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो हमारे ज़िया भाई की वजह से, क्योंकि ज़िया भाई बोलते बहुत अच्छा है। मैंने बोला कि जब एक गाड़ी में ख़रीद रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसे पब्लिक के साथ शेयर करूँ, इसका फीडबैक पब्लिक की तरफ जाए। और ज़िया भाई इसके फ़ीचर्स को जिस तरीके से बता सकते हैं खूबसूरती से, वो शायद मैं ना बता पाऊँ। ज़िया भाई प्रिंसिपल कार की बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह गाड़ियाँ तो बहुत हैं, प्रिंस ग्लोरी है और भी ब्रांड्स हैं आपके पास। जो मैंने ख़रीदी है उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा पब्लिक को बताएं कि इसमें और स्पेशलिटीज़ क्या हैं, इसके क्या नए मॉडल आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मैं तो फाइनली अपना इसका सौदा कर चुका हूँ। अब आप बताएं। आज आपने जो प्रिंसिपल चूज़ की, आपने इसको देखा, आपने इसको पसंद किया, इसका प्राइस भी ऐसा था कि आपकी परचेजिंग पावर के अंदर ये गाड़ी आई, और इसके फ्यूचर्स के बारे में आपको तो खैर मैंने बताया, और आपने आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी ले भी ली, और थैंक यू कि आज आप हमारे कस्टमर भी बने और हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। इसके फ्यूचर्स मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि एक जब महरान गाड़ी थी, जो छोटी गाड़ी जो लोग लेते थे, वो एक तो डिसकंटिन्यू हो गई है पहली बार, ठीक है। तो उसी ही इंजन साइज़ के अंदर प्रिंसिपल को लॉन्च करने का मकसद ये था कि कम कीमत में थोड़ी एडवांस व्हीकल जो थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी सी एरोडाइनिक भी हो, सारे फीचर्स के साथ हो। फीचर्स में इसके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि बिल्ट इन एलॉय रिम्स आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री ड्राई बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है। हाई फैब्रिकेटेड सीट्स इसके अंदर शामिल है। ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनर इसके अंदर है। बैक कैमरा इसके अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग है इसके अंदर। फॉग लैम्प्स हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो कि बड़ी गाड़ियों का फ्यूचर है, वो एक छोटी गाड़ी में भी हमने दिया ताकि लोग उसको एंजॉय कर सकें, ताकि लोग बता सकें कि यार मैंने एक ऐसी गाड़ी ली है जो कि फुली लोडेड है, ताकि उसको बताने में भी अच्छा लगे ना। कहीं जाता है उसकी अगर फैमिली भी बैठती है, उसका इंटीरियर इतना ग्रेसफुल इंटीरियर है कि जो भी कस्टमर बैठता है गाड़ी में तो अच्छा फील करता है कि यार ये मतलब कम कीमत में एक बड़ी लग्जरियस गाड़ी उसको मिली है। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं प्रिंसिपल को बेचते हुए। अब तो इसकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है, जैसा कि आज आप भी इस हमारे कस्टमर बने और ये गाड़ी आप प्रिंसिपल लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम इसी प्रिंसिपल के अंदर आगे ईवी भी देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए DFS के जो ग्रुप है जहाँ जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो मज़ीद इंशाल्लाह ताला इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और कलर्स भी इसके बड़े आउटस्टैंडिंग रखे हैं। हार्डवर्ड ब्लू कलर जो कि एक बड़ी गाड़ियों में आता था, लेकिन हमने DFS के अंदर चूज़ किया कि हम छोटी गाड़ी के अंदर भी हार्डवर्ड ब्लू देते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। सिल्वर वाइट तो एक नॉर्मली कलर है, आपने वाइट चूज़ किया, नो डाउट अच्छा कलर है वाइट। और एक इसके अंदर डार्क ब्राउन कलर भी हमने दिया है, तो वो टू टोन्स कलर होते हैं, दिन में थोड़ा सा लाइट होता है, रात में थोड़ा डार्क हो जाता है, यानी कि एक ही गाड़ी में आप दो कलर्स को इन्जॉय करें, ठीक है ना। इसको हम टू टोन्स कलर कहते हैं। तो इस गाड़ी ने हमने बड़ी इस पर मेहनत की 1.5-2 साल से, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी मार्केट बड़ी अच्छी कैप्चर कर ली है। और हमारी कोशिश यह है कि हम टोयोटा होंडा सुजुकी से भी हम ऊपर पहले नंबर पे जाएं हम अपने प्रोडक्ट के लेके। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, आज आपने ये गाड़ी ली वो इसलिए ली कि अगर आप, मैं आपसे कहता कि जी अल्टो लें, आपने कहा जी मेरे पास 16-17 लाख तो नहीं है जैसा, 11 लाख थे मेरे पास, तो मुझे 0 मीटर गाड़ी चाहिए थी वारंटी वाली, लेकिन हमने आपको दी। लेकिन आप सुजुकी के पास जाते तो वो आपसे मज़ीद 4 लाख रुपये और रिक्वायर करते, ठीक है, और 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी देते, लेकिन आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता उसमें, ऑल्टो में स्पेयर व्हील नहीं आता। 16 लाख दे के आपने स्पेयर व्हील भी नहीं लिया, लेकिन 11 लाख देके आपने एक कंप्लीट वेरिएंट लेके गए प्रिंसिपल का। तो ये हमारा मकसद गाड़ियाँ ही बेचना नहीं, हमारा मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक गाड़ी बना के देना है, ताकि वो अपने जो उनके ख्वाब हैं, जो उनकी ताबीर हैं, वो अपना पूरा कर सके। इसमें जो है आपने 100% फीचर्स दिए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक, मैंने 1.5 साल इसको स्टडी किया, मैंने सोचा कि क्यों ना 1.5 साल पहले हम देखें कि प्रिंसिपल गाड़ी का जो बेसिकली इसका जो पब्लिक की क्या रहा है इस हवाले से। तो मैंने इसको देखा कि मेरे उज़ैर ने भी प्लान किया था इसको लेने का, और हो सकता है कि वो भी विद इन 2-3 मंथ्स वो भी लेने जा रहे हैं। तो एक महंगी गाड़ी में जो फीचर्स होते हैं वो हमें इस गाड़ी में मिल रहा है, तो 11 लाख रुपए में मैं समझता हूँ ये कमाल की बात है। अब जब हम चलाएंगे इसको तो इंशाल्लाह फिर ये लोग भी देखेंगे, मैं अपनी गाड़ी के साथ भी आप लोगों के साथ प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। वैसे
दिखावा करना नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज़ थी जो आपसे शेयर करना चाहता, बेसिकली पब्लिक को बताने का मकसद ये था कि एक जो मोनोपोली थी, एक जो बहुत अरसे से जो एक सुजुकी, होंडा और टोयोटा की जानिब से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी आई हैं जो इनको, इनकी जो मोनोपोली उसको ख़त्म करने जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छे एक फीचर्स के साथ बहुत कम प्राइस में प्रिंसिपल कार है, फैमिली कार है। जब आप इसे लेके निकलेंगे तो देखेंगे लोग इसके लिए, आप देखकर माशाल्लाह भी कहेंगे और ख़ूबसूरत गाड़ी है, लोग पसंद भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं भी जब इसे चलाऊंगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले भी खुश होंगे, मेरे बच्चे भी खुश होंगे, तो फिर इंशाल्लाह। मैं बस छोटी सी एक वीडियो थी बस आपके साथ बनाने का, शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अल्टो ही ख़रीदें, ज़रूरी नहीं हम कल्टस ही ख़रीदें, और भी ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं। और प्रिंसिपल ने 1.5 साल में अपने मयार को मनवाया है, प्रिंसिपल गाड़ी की जो ग्लोरी है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ वो, खैर मैं अभी नहीं ख़रीद सकता था क्योंकि वो महंगी गाड़ी है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम वो भी ख़रीदेंगे। लेकिन 11 लाख रुपए की गाड़ी मैं समझता हूँ एक नॉर्मल, एक सैलरी पर्सन भी खरीद सकता है। क्या ख्याल है जिया भाई, एक सैलरी पर्सन भी खरीद सकता है और वो रख सकता है। मैं कुछ चीज़ें ऐड भी करना चाहूँगा, और वो ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी यहाँ रखी हुई है कि जो लोग मतलब डायरेक्टली कैश पे गाड़ी नहीं ले सकते, वो एडवांस दे के अपना इंस्टॉलमेंट हमारे साथ बैठ के डन कर सकते हैं, जो कि हम फाइनेंसिंग करते हैं ताकि वो इजीली पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे और गाड़ी भी चला सके। आपने तो खैर कैश पे गाड़ी ली, तो इंस्टॉलमेंट का भी हमारे पास प्लान है ताकि लोग अवेल कर सकें और गाड़ी चला सकें। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि एक जो मीडियम क्लास, जो मिड क्लास जो लोग हैं, वो अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी कर सकें, अपनी गाड़ी चला सकें, अपनी 0 मीटर गाड़ी ले सकें। और देखें, प्राइस को भी हमने इसलिए कंट्रोल करके रखा ताकि लोग लें और गाड़ी चलाएं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम बिज़नेस करें, बिज़नेस तो हमारा है ही, लेकिन हम लोगों को फैसिलिटेट ज़्यादा करना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि DFS की भी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में अपने वेरियंट्स देती है। ठीक है, पाकिस्तान में 1.5-2 साल हुए इसको आए हुए, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5-2 साल में वो पोजीशंस हिट की अल्लाह ताला के हुक्म से और बाकी तमाम लोगों की दुआओं से और आप लोगों के तावुन से। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि आगे जो वेरिएंट आएंगे वो भी कम कीमत में रखें ताकि लोग उसको ले सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स के ज़रिए ज़रा नीचे माशाल्लाह लिख दें ताकि हमें भी खुशी हो कि मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को, देखने वालों को खुशी हुई कि मैंने एक छोटी सी कार खरीदी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे, अल्लाह पाक सबको इस काबिल बनाएंगे वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद सकें और स्पेशली प्रिंसिपल गाड़ी खरीद सकें। क्या ख्याल है जिया भाई? और यहाँ पर कि आप आज ये गाड़ी आप लेके जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके जो दोस्त हैं या फैमिली मेंबर हैं तो वो भी कहेंगे कि शायद हमें भी ये गाड़ी लेनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। देखते रहे हंगरी एंड थर्स्टी, चाय पिए जिया भाई के साथ, चाय पीते पीते सारी डील भी हो गई थी जब तक आपने गाड़ियाँ विजिट की और बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ कहीं, मैं क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, कहीं चाय पीने जाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो हकीकत है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंसान की लाइफ में पेड कॉन्टेंट हो या मैं उसको पेड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इंसान कुछ भी शेयर कर सकता है, इंसान अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकता है। अभी बहुत सारी वीडियोज़ मेरी ऐसी आएंगी जिसमें मैं सिंगली बैठ के आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँगा, अपनी बातें, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, इंसान को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, इंसान को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। देखते रहें हंगरी एंड थर्स्टी, बहुत शुक्रिया।